जिसे हम कहते हैं स्कैम, कि किसी के साथ किसी भी तरीके से धोखाधड़ी होना, स्कैम होना, फ्रॉड होना। कि हमें क्या होता है कि धंधे में, व्यापार में कोशिश ये करते हैं कि भाई किसी किसी की ना किसी तरीके से हेल्प हो जानी चाहिए, मदद होनी चाहिए। कि उन्होंने ऑर्डर्स भी प्लेस किए हैं, सारा चीज़ बताया कि इतना इतना ऑर्डर चाहिए, और यहाँ पे लिखा कि आपका जो लॉस अमाउंट है वो भी मैं आपको भेजूंगा। बाद में क्या हुआ, चैटिंग हुई, फिर से मैंने बिल भेजा इनको। बिल लेने के बाद ये बोलते हैं कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि किसी व्यक्ति को मैं टाइम दिया, टाइम देने के बाद मेरे साथ फिर से वो वही चीज़ें कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए, नॉट नेसेसरीज, मैं बिल भेजा हूँ। है आपने देखा कि ये स्कैम मेरे साथ किस तरीके से हुआ था लास्ट में। तो फिर जो है कभी कभी जो है हमें इंसान को समझने में गलतियां हो ही जाती हैं, ना चाहकर भी, क्योंकि इसे समझना काफी मुश्किल है, और व्यापार, बिजनेस और धंधे में तो और भी ज्यादा मुश्किल, कि किसके साथ हमें ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके बारे में जो पूरी सच्चाई आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, और हालांकि ये वीडियोस मुझे बनाने की उतनी इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या है, एक जो सब्र होता है ना, सब्र का जो बांध टूटने के बाद इसकी सच्चाई को आगे लाना काफी ज्यादा जरूरी था। और मैं ये भी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आगे जो और भी किसी लोगों के साथ ये चीजें ना हो, और अगर होने से पहले इस चीज को आप समझ ले, जिसे हम कहते हैं स्कैम, कि किसी के साथ किसी भी तरीके से धोखाधड़ी होना, स्कैम होना, फ्रॉड होना। हमें क्या होता है कि धंधे में, व्यापार में कोशिश ये करते हैं कि भाई किसी किसी की ना किसी तरीके से हेल्प हो जानी चाहिए, मदद होनी चाहिए। तो हुआ क्या कि कुछ ऐसे कस्टमर्स जिसको भरोसे के दम पे हमने माल भेजी, चलो ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा रिश्ता निभाया स्टार्टिंग में कि सर ऐसी ऐसी हमारे घर में प्रॉब्लम है, ये परेशानियां से हम लोग जूझ रहे हैं, तो अभी बिजनेस हमें करना है, तो कुछ ये चीज़ें, सपोज परफ्यूम्स, रो अगरबत्ती और अन्य एसेसरी चीज़ें आप भेज दीजिए, डे टू डे शाम तक या कल तक हम आपको पेमेंट कर देंगे। ये बात थी, लगभग 2022 की बात है, लेकिन अभी इसी टाइम में तरोताजा इसलिए हुई क्योंकि उस बात को मैं भूल चुका था कि हाँ, बिजनेस में ये चीज़ें कभी कभी निकल के आती हैं, और ऐसा ही स्कैम आपके साथ हो जाता है। अभी फिलहाल कोशिश मैं करता हूँ कि किसी भी तरीके से, एक केस मैं बताता हूँ, वैसे केस काफ़ी सारे मेरे साथ हुए हैं जो कि आगे आपके साथ ना हो। सो फिर जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, ये है मेरा मोबाइल स्क्रीन जिसपे मैं कुछ चीज़ जो है, जो फ्रॉड्स हुए थे उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप जानते होंगे कि आजकल जो है व्हाट्सअप का टाइम है, तो सारे डील्स, प्रोडक्ट लेना देना, पेमेंट आना जाना सब व्हाट्सअप के थ्रू ही होती है, क्योंकि डिटेल्स व्हाट्सअप में ही शेयर होता है। सो स्कैम क्या हुआ था कि एक जो कस्टमर्स है कोलकाता से, खाली एड्रेस बताता हूँ मैं, बाकी नाम बताना अच्छा नहीं लगता, सॉरी। सो फिर हुआ क्या कि जिस तरीके से डील होती है प्रोडक्ट लेने देने को, सो फिर उसी तरीके से चीज़ें हुई, और क्या हुआ, फर्स्ट टाइम उन्होंने अच्छे से लिया, पेमेंट भी किया, सारी चीज़ें सही हुई। सेकेंड टाइम क्या हुआ, इन्होंने मतलब ये बोला कि आज पे आप माल डलवा दीजिए, मुझे अर्जेंट है, मैंने भरोसे पे माल डलवाया, बट कस्टमर का पेमेंट नहीं आया। ठीक है, बाकी चीज़ें होती गई, व्हाट्सएप में भी क्लियर चीज़ें हुई। ये सेकंड व्हाट्सएप नंबर है, फर्स्ट व्हाट्सएप नंबर इसका, और तो ये फर्स्ट व्हाट्सएप नंबर है जिसमें पहले जो है चैट्स होती थी। तो यहाँ से आप देखिए, मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स इनको शेयर किए, तो फर्स्ट टाइम अच्छा डील हुआ, माल भेजे, सेकंड टाइम की बात हुई तो पेमेंट के लिए थोड़ा सा इश्यू हुआ, बोले कि माल भेज दीजिए और मैं आपको पेमेंट शाम तक डाल देता हूँ। माल हमने भेज दिया, रॉ अगरबत्ती और ब्लैक व्हाइट ऐसा कुछ मिक्स करके, कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का बिल था उसमें, ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं थी, लेकिन इससे जो है समझने वाली बात यह है कि और किसी लोगों के साथ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट इनवॉइस आप देख रहे हो, काफ़ी सारे इनको मटेरियल गए, और इसके बाद क्या हुआ, सो फिर देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे चैट्स हैं, मैंने VRL की कॉपी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, बट अभी कुछ क्लियरिफिकेशन की वजह से ये मैसेज जो है पुराना डिलीट हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे VRL की बिल्टीज भेजी गई है। उसके बाद लास्ट 30 नवंबर 2022 को मैंने मैसेज किया कि
आपने किसी भी तरीके से माल नहीं उठाया। हुआ क्या कि ये चीज़ें हमको पता ही नहीं थी, वीआरएल से हमें ईमेल आया कि आपके पार्टी ने माल नहीं उठाया है, तो वहीं से चीज़ें समझ में आई कि ये जो है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और वहाँ से भी काफ़ी मैसेज आने, क्योंकि इन्होंने चैटिंग वेटिंग कॉल वगैरह सारा करना बंद कर दिया था, मतलब रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कहीं से भी। फिर किसी भी तरीके से वो प्रोडक्ट हमने रिटर्न करवा लिया कि आप रिटर्न भेज दीजिए, और उसमें काफ़ी नुकसान हो गया, माल भी काफ़ी समय से डैमेज था। डैमेज होने के बाद क्या था कि वहाँ पे काफ़ी दिनों से वो होल्डिंग में था, मतलब उनके स्टोरेज रूम में, गोडाउंस में वो माल पड़े रह गया, जिसके वजह से उन्होंने चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगा दिए। चार्जेस लगाने की वजह से लॉस तो हुआ, उसमें प्रॉब्लम्स भी हुई। चलो ठीक है, वहाँ तक चीज़ें आ गई। अब हुआ क्या, इसके बारे में चीज़ें मैं बता रहा हूँ। उन्होंने फिर से जो है एक साल बाद मैसेज किया, मैंने समझ गया कि ये वही व्यक्ति है। अभी उन्होंने दूसरा व्हाट्सअप नंबर दिया, उसमें चैटिंग भी फिर से चालू हुई। मैं समझ गया था कि क्या चीज़ें हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो पहले मेरे साथ कुछ चीज़ें फ्रॉड की हुई थी। उन्होंने रीज़न बताया कि ऐसा ऐसा था मेरे साथ, ये चीज़ें, मतलब हेल्थ प्रॉब्लम थी, इसके वजह से मैं ये आपके साथ प्रॉब्लम हुआ। मैं बोला चलो ठीक है, इंसान है, इंसान की गलतियाँ होती हैं, सुधार में आ जाएंगी। मैंने रिप्लाई दिया, बोले कि कुछ और चीज़ें भी चाहिए मुझे। फिर से चैटिंग स्टार्ट हुई और जो है आगे पेमेंट करने की भी बात हुई कि जो पुराना लॉस आपका हुआ है वो मैं रिटर्न कर दूंगा। यहाँ पे आप देखिए, इन्होंने भेजी थी, ये इनकी रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे आप देखिए, ब्लैक जोस 9 इंच चाहिए, वाइट चाहिए 200 kg, जोस वाली चाहिए 100 kg, येलो कलर 5 kg 5 kg, ये सारे चीज़ें थी। और मशीन के भी डिटेल्स मैंने शेयर की हैं। और यहाँ पे इनकी चैटिंग एक और दिखाता हूँ मैं, जिसमें ये इन्होंने खुद ही बोला था कि मैं आपका पेमेंट रिटर्न कर दूँगा। तो फिर यहाँ पे देखिए, उन्होंने ऑर्डर्स भी प्लेस किए हैं, सारा चीज़ बताया कि इतना इतना ऑर्डर चाहिए, और यहाँ पे लिखा कि आपका जो लॉस अमाउंट है वो भी मैं आपको भेजूँगा। मैं भी थोड़ा सा, मुझे ठीक लगा कि चलो ठीक है, कोई इंसान है जो समझा है चीज़ों को। बट बाद में क्या हुआ, चैटिंग हुई, फिर से मैंने बिल भेजा इनको। बिल लेने के बाद ये बोलते हैं कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कि किसी व्यक्ति को मैं टाइम दिया, टाइम देने के बाद मेरे साथ फिर से वो वही चीज़ें कर, ये नॉट नेसेसरीज। मैं बिल भेजा हूँ, अमाउंट भेजा हूँ, चेक भी भेजा हूँ श्री राम का, यहाँ पे जो हमारा कंपनी का चेक अकाउंट है, और फिर से वो चीज़ें हुई और ये जो है प्रॉब्लम पूरा हुआ। आपने देखा कि ये स्कैम मेरे साथ किस तरीके से हुआ था। लास्ट में कस्टमर ने भरोसा दिया कि मैं आपका किसी भी तरीके से पेमेंट कर देता हूं और मुझे कुछ रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, उसके डिटेल्स आप दे दो। पहले तो मैं राजी नहीं था कि कहीं ना कहीं जो है ये व्यक्ति फिर से मेरे साथ वही चीज़ें करने वाला ही है। बट कुछ मैसेजेस में ऐसे वर्ड्स उन्होंने लिखे कि मैं थोड़ा सा, चलो यार इंसान है, हो जाता है, और शायद इसकी कोई मजबूरी थी जिसके वजह से उन्होंने पूरे 11 महीने तक माल नहीं उठाया था, और इसी चक्कर में वो प्रोडक्ट जो है एक तो ख़राब हो गया। जब उन्हें उसे उस प्रोडक्ट को हमने रिटर्न किया कोलकाता से, तो हमारा जो है काफ़ी नुकसान हो चुका था। ऊपर से जो ट्रांसपोर्टेशन वीआरएल सर्विसेज, जो लॉजिस्टिक्स है इंडिया की वन ऑफ द, मैं बोलूँ तो लार्जेस्ट, क्योंकि उनका क्या होता है कि जहाँ भी प्रोडक्ट स्टोरेज हुआ तो उसका भी चार्ज उन लोग ले लेते हैं। तो पर डे के हिसाब से कम चार 5-5 सौ रुपये का तो खाली उसमें ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस लगा था। फिर वहाँ से जाने के बाद वहाँ से मुझे ईमेल आया। ईमेल आने के बाद मैंने कंसल्ट की कि आखिर क्या हुआ, तब जाके मुझे ये स्कैम के बारे में पता चला कि कस्टमर ने माल नहीं उठाया, जो कि अभी व्हाट्सएप में जो डिटेल मैं आपको बताया था स्क्रीनशॉट के माध्यम से वही था। मैं किसी का व्यक्तित्व और जो है जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसका नाम खराब ना हो, इसलिए मैंने नाम शेयर नहीं किया। आपके साथ ये चीज़ें भी हो सकती है, इसे बचा जा सकता है, और ये पहले नहीं है, इसके पीछे और 3 हो चुके हैं। उनका बताने का कोई फायदा नहीं है। अभी के टाइम में अगर वो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, आगे वो किसी के साथ और ना करें। ये बस इतनी उम्मीद रहेगी मुझे उन लोगों से, महाराष्ट्र के हैं, बिहार के भी हैं, यूपी के भी हैं, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊँगा, इतने सारे लोग निकल के आएंगे, लेकिन वो हमारा काम नहीं है। तो फिर सीधा सीधा ये बात निकल के आती है कि ये जो है स्कैमर्स है,
फ्रॉड करने के सिवा और कुछ नहीं आता इन लोगों को, चाहे उनको बुरा लगे या नहीं लगे। वीडियो अगर वो देख रहे होंगे तो मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस चीज़ से थक चुका हूँ, और इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि इंसान को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिए, और आने वाले अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको फेसबुक फ्रॉडियों के बारे में। फेसबुक में अभी जस्ट मैं आज ही के 2-3 पेज ऐसे देखे जिसमें लोगों के साथ भी फ्रॉड हुआ है, उसका कारण क्या है और फेसबुक में किस तरीके से फ्रॉड होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उस वीडियो का भी आप इंतजार जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।